क्लास 9 हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बताने से पहले मैं आपको अभी एक लॉन्ग डिवीजन का प्रॉब्लम बताता हूं, फिर हम उसके बाद रिमाइंडर पे आते हैं। ये आपने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, ध्यान दो। लॉन्ग डिवीजन में क्या है, हमें इसको एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है। तो हमारा टारगेट क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम में, जो हमारा हाइएस्ट पावर जो होता है वो कैंसिल हो जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप इसको 3x³ से करते हैं तो इसको में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका हो जाएगा 3x⁴ और ये हो जाएगा आपका माइनस 3x³। ठीक है, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा यहां पे माइनस x³ माइनस 3x, इसको एज इट इज आप यहां पे नोट कर दें। अब हमें इसको कैंसिल करना है, ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, माइनस x³, ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस ये माइनस, फिर से ये कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो गई। हम इसी हिसाब से लेते हैं, ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। अब क्या होगा, इसको कैंसिल करना है तो आप माइनस एक्स लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस माइनस, ये फिर कैंसिल, ये हो जाएगा आपका माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 1। वन मोर स्टेप, अब आप क्या करोगे, माइनस फोर से, सिंपली माइनस फोर से, तो माइनस 4x और ये माइनस माइनस प्लस 4, ये कैंसिल आउट, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, ये हमारा क्या है माइनस 5, यही तो हमारा रिमाइंडर है। अब देखो ये तो हमने लॉन्ग डिवीजन से आपको बता दिया, अब यहां से रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको बता रहा हूं, डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है और हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, हमें जिससे डिवाइड करना होता है आप उसको जीरो कर दीजिए, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं तो आप एक्स माइनस वन को जीरो कर दीजिए। हम सिंपल वे में आप समझो, कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको जिससे आपको डिवाइड करना है मैं यहां लिख देता हूं, जिससे आपको डिवाइड करना है उसको आप जीरो कर दीजिए, तो एक्स माइनस वन इक्वल्स जीरो, ठीक है। जो वैल्यू आता है जिससे आपको डिवाइड करना है उसको पहले हम जीरो करेंगे, जो वैल्यू हमारा आता है उसको ओरिजिनल जिसमें आपने डिवाइड किया है उसमें प्लेस कर दीजिए, फिर देखो क्या होता है। तो यहां से x हमारा 1 आ गया, ठीक है, x हमारा 1 आ गया। अब हम इसमें प्लस करेंगे 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, वैल्यू प्लस करो 3, 1 टू द पावर 4 माइनस 4, 1 टू द पावर क्यूब माइनस 3, 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, ये कैंसिल, ये आ गया माइनस 4। अब देखो दोनों ही केस में हमारा माइनस 5 आ रहा है, मतलब अगर आपसे रिमाइंडर पूछते हैं तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हो आप सीधा पहले उसको जीरो करोगे, जीरो के बाद जो वैल्यू हमारा आता है उसको जिसमें डिवाइड करना है सीधा उसमें आपने वैल्यू प्लस कर देना है। देखो आ रहा है, तो आपके पेपर में आपके सिलेबस में यही है कि जिससे हमें डिवाइड करना है पहले उसको आप जीरो कर दो और जो वैल्यू आ रहा है उसको ओरिजिनल जिसमें हमें डिवाइड करना है हम उसमें प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो उसका एक फैक्टर होगा, क्लियर है। अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो
जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो उसका एक फैक्टर होगा, क्लियर है? अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस 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 दिस, ठीक है? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, रिमाइंडर पूछा जा रहा है। रिमाइंडर में हमने आपको बताया था एक तो लॉन्ग डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन से करना नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, इसको जीरो करोगे, जो अभी हमने लास्ट जो आपके लॉन्ग डिवीजन में अभी बताया। तो फर्स्ट देखो एक्स प्लस वन को हमने जीरो कर दिया, तो एक्स हमारे क्या हो गया, माइनस वन। अब सीधा ये वैल्यू इसमें प्लेस कर देना है, फिर देखो क्या आता है, जो आता है वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो ये हो गया आपका एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन का होल क्यू प्लस थ्री, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस थ्री, माइनस थ्री प्लस वन, सब कैंसिल होके जीरो आ गया। ये क्या है जीरो, यही तो रिमाइंडर है, यही जीरो रिमाइंडर है, क्लियर है? और मैंने आपको बताया था कि अगर रिमाइंडर हमारा जीरो होता है तो ये इसका एक फैक्टर होगा, क्लियर है? अगर रिमाइंडर जीरो होता है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो इसका एक फैक्टर होगा, राइट? नेक्स्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, सेकेंड में x माइनस हाफ इक्वल जीरो, तो x आ गया आपका हाफ, ये वैल्यू आपको इसमें प्लग कर देना, कुछ नहीं करना, देखो क्या आता है आंसर। थर्ड में क्या हुआ, देखो थर्ड के केस में x आपका जीरो आ रहा है, ठीक है, ये कुछ नहीं करना है, इसमें जीरो प्लेस कर देना है। तो जीरो करने से क्या होगा, जीरो जीरो जीरो, और लास्ट में फाइनली वन, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वन। तो सिंपली इसमें आपको प्लेस कर देना है जीरो। फोर्थ केस में क्या है, एक्स प्लस पाई इक्वल जीरो, तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस पाई। अब माइनस पाई है तो मैं बता देता हूं, ये वैल्यू सीधा ऐसे प्लग कर देना है, देखो माइनस पाई का होल क्यूब प्लस थ्री माइनस पाई स्क्वायर प्लस थ्री माइनस पाई प्लस वन, कुछ नहीं है, माइनस वन का होल क्यूब माइनस माइनस पाई क्यूब, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन, कुछ नया नहीं है, बस पाई के टर्म में आंसर आ गया। लास्ट में क्या आपका ये फिफ्थ, इसको आप जीरो करो, फाइव प्लस टू एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू। तो आप क्या करोगे, माइनस फाइव बाई टू को इसमें प्लग कर दोगे, जो आंसर होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, राइट? कोई डाउट तो नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं, वही है, ठीक है? तो इससे आपको क्या करना है, ये आपका डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, तो आप इसको डिवाइजर को क्या करोगे, जीरो करोगे, जिससे हमें डिवाइड करना है उसको जीरो करते हैं, ठीक है, जिसमें हमें डिवाइड करना है उसमें वो वैल्यू प्लेस करते हैं, तो आप इसको जीरो करो, जो आपका डिवाइजर है एक्स माइनस ए इक्वल जीरो, तो एक्स क्या हो जाएगा, इसमें प्लस कर दो, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, वैल्यू प्लेस करो, ए क्यू माइनस ए ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए, क्लियर है? ये हो गया आपका ए क्यू माइनस, ये भी ए टू दी पावर वन और ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगी, ये भी प्लस सिक्स ए माइनस ए फाइव है, ये कैंसिल, तो फाइव है। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, फाइव है।
नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन, चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। मैंने आपको ही बताया था कि फैक्टर का क्या मतलब है, जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो समझ लो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें चेक करना है कि क्या इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, इससे आप डिवाइड करो, सॉरी इसको आप जीरो लो, 7 + 3x इक्वल्स जीरो, तो 3x क्या हो जाएगा -7, x क्या हो जाएगा -7/3। अब चेक करते हैं, ये वैल्यू आप इसमें प्लेस करो, तो 3x³ + 7x, 3x हो गया आपका -7/3³ + 7 -7/3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -3 × 7/3³, और ये भी -49/3। अब एक चीज तो क्लियर है कि ये जीरो नहीं आएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, कहीं से भी जीरो का स्कोप है ही नहीं। आगे आप कैलकुलेशन कर लेना, जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिंपलीफाई कर देना, यानी जीरो नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। नो, सेवन प्लस थ्री एक्स इज नॉट अ फैक्टर, थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स, क्लियर है, सब समझ में आया। और एक चीज मैं बता रहा हूं क्लास 9, आप लोग इसलिए मत पढ़ाई करो कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैथ्स में आप 100 out of 100 के लिए पढ़ोगे, ठीक है, 99 का स्कोप नहीं होना चाहिए। मैथ्स को आप फन की तरह लो, ठीक है, मैथ जैसे आप गेम खेलते हो ये भी एक गेम है, जिस दिन आप मैथ्स को फन की तरफ लोगे ये आपको 100 out of 100 ही मिलेगा। अभी आप क्लास 9 में हो, फिर 10 में जाओगे बोर्ड में, ठीक है, हम 99 के लिए नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है, हम 100 के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और फन की तरह लो, देखो मजा आएगा, क्लियर है। अब आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।